एक तस्वीर है तसव्वुर भी हो सकता है, इश्क तेरे पाँव की जंजीर भी हो सकता है, ये दिल है टूट गया सो टूट गया, ये घर नहीं जब दोबारा तमीर हो सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। दो इंसान होते हैं उसके अंदर तीसरा शख्स नहीं आना चाहिए, और तीसरा शख्स वाजिबुल कत्ल होता है। इतनी प्यारी बात है साहब कि मेरे पास में हो तो मैं हर उस तीसरे शख्स को कत्ल करूं। मुझे तो लगता मैम दा भी तीसरे शख्स ने दिल तोड़े। मैडम दा जिन्हें दिल तोड़े है यार इंज होना उन्हें बख्शा नहीं जाना, उन्हें बख्शा नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेरा बाइकर। तो अभी इस टाइम मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ टिकटॉकर हाज साहब के पास में आई हूँ यहाँ पर उनका इंटरव्यू करने के लिए। तो आज हम इनसे मेरे व्लॉग में भी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये इतने प्यारे आप हैं या लाइट की वजह से प्यारे आ रहे हैं? वो मैं मेरे मले को पूछो जा तोड़े ये पकड़ ले मोबाइल पकड़ ले मैं जाके साथ ही बैठ जाती हूँ। अच्छा ये ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਲੇ ਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਆਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜ? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਸੇ ਸਤਾਰਾਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? दूसरी कुड़ी हर टिकटॉक ने मते दी बुड़िया रेहम खान ही आई इंटरव्यू करन इमरान खान दा बहुत देर कर दी मेरे बाल खाते बोलिया ही ना शेर तू फिर मेनू तुसीं कह रहे जे रात ना हो जाए ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 17 18 ਮਨਾਈਆ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਜਾਈਏ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੇਕੇ ਐਵੇਂ ਫੇਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਘਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਏ ਸਭਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਹਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਇਹ ਗਵਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਜਾਂ आप भी आ जाए इधर साथ पूरा व्लॉग में ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी हमारे साथ जो अवैस भी मौजूद है ये बड़ी दुखी शायरी करते हैं क्या कहेंगे आप ये शायरी करने की आपकी वजह क्या है? मेरी वजह शायरी करने की हाजी साहब है कि हाजी साहब ने मुझे शायरी पे लगाया। हाजी साहब फनी वीडियो बनाते हैं और मुझे कहते हैं तू शायरी करे आकर तो मिलन तो पहले दी गल है जिदा मैं रोना रोन दिया हाले दी करे कितने साल हो गए पूछो कितने साल हाई साहब ओ जमन तो पहले ना जमन ओ तो मैं हाले मेनू मेरे मां-प्यो ख्वाब दे विच सोचन दे सन के नियाणा है ते मैं पहले ही दिल टुड़ा बैठा अपना अच्छा ये दिल है टूट गया सो टूट गया ये घर नहीं जब दोबारा तमीर हो सकता। वाह 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 क्या बात है क्या बात है।
अच्छा जी, क्या इतने मतलब क्या हुआ क्या आपके साथ? हुआ जो किसी के साथ नहीं हुआ वो मेरे साथ हुआ। ये वो पता क्या बात है कि आज सुनो ये देखें जी, आपको मैं आपकी भी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी से सहबत करते हैं मुखलस मुखलस चलना चाहिए, ठीक है? चाहे वो आप दो दो इंसान होते हैं उसके अंदर तीसरा शख्स नहीं आना चाहिए और तीसरा शख्स वाजिबुल कत्ल होता है। मुकाम अपनी मर्जी ने मैं पहले आखिर दिन तो कह के अपनी मर्जी करो। अपनी मर्जी की लेकिन पटाके क्यों वजदे माल लांदा भाई साहब। बाकी ऐसी किसी नु बुरा भला नहीं, नहीं बुरा भला नहीं। अच्छा गल सुनो, ये ते ओरिजिनल चीज दा मैम निकालो गलो बच्चा। अच्छा आज पे कत्ल शेर सुनाए। मैम की नजर लाइन है कि जैसे मुकाफाते अमल है वैसे मोहब्बतों का नेम बदल होना चाहिए, ये जो गुंजाइश है मुझे नहीं मंजूर, तीसरा वाजिबुल कत्ल होना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਏ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਆਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਤਾਤਾ। ਜੀ ਮੈਮ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਹੈ, बहुत चीज़ें देखी हैं। आप मेरी आईडी भी विजिट करिएगा, आपको मेरे हर रोज़ दिन के ऊपर मेरी मैंने लिखता हूँ हर रोज़ दिन के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक लिखता हूँ। हाई साहब मेरे आप मिले हैं, मैं रात को लिखूँगा, आप लोग मिले हैं मैं रात को लिखूँगा कि इनके साथ बैठ कर मैंने बातें की और मेरी को मैंने लिखना है। मैडम आई थी तो उसका भी दिल टूटा, तीसरे चेक से करोड़ करोड़ गल की थी। नहीं मैं ये सीधी बातें नहीं लिखता, ते हाजी साहब दा भी टूटा आज की हाजी साहब दा दिल नहीं टूटे जा टूटिया वो किसी और ही टूटिया एंडिंग। चलो जी मजा आ रहा है, ऐसे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों से बातें करके। बाकी इंशाल्लाह मैं अमेरिका भी गया हूं। अच्छा 13 साल। अच्छा वैसे मैं एक मिनट साहब, वैसे मैडम दा जिन्ने दिल तोड़या यार इंज होना नहीं, उन्हें बख्शिया नहीं जाना, उन्हें बख्शिया नहीं जाना। ऐसे अल्लाह पाक उसको भी खुश रखे, ठीक है? ये दुआ ही देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इतने मियार तक उनको इस कदर पहुंचाया, उन्हें पहुंचाया। भाई साहब एक इंसान इतमाद तक इस हद तक पहुंचाता है तो फिर ही अगला बंदे की तवक्कुल का हद बढ़ती है। ये वाला शेर सुनाए मियार वाला, मियार वाला नहीं होया कि गल सुन ते जे तू उन्हें रहता ही लद गाल लग कर लिया। हां जी ते मियार वाला की नहीं नहीं पहले जो आपस दे विच सन उदों इन्होंने उस हद तक मियार तक पहुंचाया कि इन्हां दी तवक्को कद वधिया, तमाद वधिया, यकीन बनाया ते उन्हें इस लेकिन उन्हें बदवा नहीं क्योंकि उन्हें मेहनत की थी इन्नी, ठीक है? अगर सच्चा होंदा ते यकीन, अगर कोई ऐसा इंसान सच्चा होंदा उन्हां नाल ते फिर एंड तक लैके जांदा, लेकिन उन्होंने किया इस तरह इंसान ने उन्हें बदवा नहीं करी जांदी।
इंसान है यहाँ पर आकर पता चला जो ये टिकटॉक में नजर आ रहे होते हैं ये उससे ज्यादा ही अच्छे इंसान है, लोगों को हंसाते हैं, इस तरह हंसाते रहे आप लोगों को और इस तरह ही आप दुखी लोगों का दर्द जो है वो बांटते रहे और साथ अपना भी साथ हम जैसे लोगों का भी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।